हेलो एवरीवन, दिस इज रूपम रॉय। आज हम बात करेंगे भारत का दूसरा सबसे बड़ा होटल और रिजॉर्ट ग्रुप ओबेरॉय ग्रुप के बारे में। और इस ओबेरॉय ग्रुप का फाउंडर है मोहन सिंह ओबेरॉय। मोहन सिंह ओबेरॉय को इंडियन होटल इंडस्ट्री के फादर के रूप में माना जाता है और जिन्हें अंग्रेजों ने भी सम्मानित किया था। भारत में ओबेरॉय ग्रुप का नाम ही काफी है। यह कंपनी मुख्य रूप से अपने ओबेरॉय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स एंड ट्राइडेंट ब्रांड के तहत 7 देशों में 32 लग्जरी होटल्स और 2 रिवर क्रूज जहाजों का मालिक है और इसे ऑपरेट भी करता है। ओबेरॉय ग्रुप द ओबेरॉय सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट का भी ऑपरेट करता है, जिसे हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन के लिए एशिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में से माना जाता है। मोहन सिंह ओबेरॉय हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में महिलाओं को रोजगार देने वाला पहला व्यक्ति थे। आज 9,990 करोड़ रुपए से भी अधिक नेटवर्थ वाले ओबेरॉय ग्रुप की शुरुआत कभी 25 रुपए से हुई थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोहन सिंह ओबेरॉय का जन्म 15 अगस्त 1898 में वर्तमान समय में पाकिस्तान के झेलम डिस्ट्रिक्ट के भोन गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। मोहन सिंह ओबेरॉय के परिवार एक बेहद ही गरीब परिवार था। उनकी जिंदगी की परीक्षा उनके जन्म लेने के साथ में ही शुरू हो गई। उनके जन्म के 6 महीने के भीतर ही उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया और उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी माँ के कंधों पर आ गई। उस दौर में महिलाएं इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए मोहन के पालन पोषण के लिए माँ को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मोहन सिंह ओबेरॉय की माँ ने बहुत संघर्ष करते हुए किसी तरह से उन्हें पाला और परिस्थितियों से लड़ते हुए मोहन सिंह ओबेरॉय ने किसी तरह से अपनी प्राइमरी एजुकेशन रावलपिंडी में पूरी की और अपनी बैचलर्स डिग्री के लिए लाहौर चले गए। कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद मोहन सिंह ओबेरॉय अपने परिवार की मदद के लिए पार्ट टाइम नौकरी भी तलाशने लगे, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। इस बीच कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई, लेकिन दर दर भटकने के बाद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। इसके बाद वो अपने एक मित्र के सलाह पर टाइपिंग और स्टेनोग्राफी सीखने अमृतसर चले गए, लेकिन ये बात उन्हें जल्दी समझ आ गई कि टाइपिंग सीखने से भी उन्हें नौकरी नहीं मिलने वाली और वो इसीलिए परेशान थे क्योंकि इसमें उनके पैसे खर्च हो रहे थे। हर तरह से रोजगार के लिए कोशिश करने के बावजूद कोई नौकरी नहीं मिलने से हताश होकर उन्होंने पुनः अपने गाँव की ओर खाली हाथ लौटने का निश्चय किया, क्योंकि उस समय भी बड़े शहर में रहना गाँव से कहीं अधिक खर्चीला था और इस दौरान खाने के पैसे भी खत्म हो गए थे, इसीलिए वो गाँव वापस लौट आए। गाँव लौटने के बाद परिवार की आर्थिक हालत देखकर मोहन से रहा नहीं गया और अपने चाचा के कहने पर जूतों की एक फैक्ट्री में मजदूरी करने लगे। ये नौकरी मोहन सिंह के मन मुताबिक तो नहीं था, लेकिन कुछ पैसे जरूर मिल पा रहे थे। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि कुछ ही समय बाद ही जूतों की वो फैक्ट्री बंद हो गई। निराश मोहन सिंह एक बार फिर खाली हाथ घर लौट आए। सन 1920 की बात है, जब मोहन गांव लौटे तो परिवार वालों ने उनके आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। 20 साल के मोहन सिंह ओबेरॉय की शादी कोलकाता की एक 15 वर्षीय ईशरान देवी नाम की लड़की से हो गई। मोहन सिंह ओबेरॉय अपनी शादी के बारे में मजाक के अंदाज में कहते हैं, उस समय मेरे पास ना धन था, ना ही कोई नौकरी थी और ना ही मेरे अधिक मित्र थे। लगता था शायद मेरी ससुर जी को केवल मेरा आकर्षक व्यक्तित्व ही भा गया था। विवाह के बाद उनका अधिकतर समय अपने ससुराल सरगोंडा में बीतने लगा। कुछ समय अपने ससुराल में बिताने के बाद जब वो फिर से अपने गांव लौटे तो उन्हें पता लगा कि पूरे गांव में प्लेग की महामारी फैल रही है। इस महामारी के कारण गांव के कई लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ गया था। ऐसे में वो अपनी माँ के पास रहना चाहते थे, लेकिन प्लेग के डर से उस समय मोहन सिंह ओबेरॉय को उनकी माँ ने आदेश दिया कि उन्हें पुनः अपने ससुराल सरगोंडा लौट जाना चाहिए और वहीं पर रहकर कुछ काम करना चाहिए। अपनी माँ द्वारा दिए गए इस आदेश के तनाव और अवसाद की उस विकट स्थिति में मोहन सिंह ओबेरॉय स्वयं को अपने जीवन में पहली बार हारा हुआ महसूस कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपनी माँ की बात मानते हुए अनिश्चित भविष्य की तलाश में सरगोंडा लौटने का निर्णय लिया। इस दौरान घर से निकलते हुए माँ ने मोहन सिंह के हाथ में 25 रुपए थमा दिए। तब मोहन सिंह ओबेरॉय को इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं था कि उनके अरबों की साम्राज्य की फाउंडेशन इन्हीं 25 रुपयों से रखी जाएगी। अपने जीवन की उस समय की निराश भरी परिस्थितियों को याद करते हुए मोहन सिंह ओबेरॉय कहते हैं कि एक दिन दैनिक अखबार के एक विज्ञापन पर अचानक से मेरी नजर पड़ी तो मैंने उसमें देखा कि एक सरकारी विभाग में जूनियर क्लर्क की सीट वैकेंट है और बस फिर क्या था, मैं तुरंत ही माँ के दिए गए 25 रुपए जेब में लेकर शिमला के लिए निकल पड़ा क्लर्क की परीक्षा में बिना किसी पूर्व तैयारी के भाग्य आसमाने के लिए। शिमला पहुँचने पर मेरी नजर टहलते हुए वहाँ की कई खूबसूरत सरकारी इमारतों पर पड़ी, जो कि उस समय अंग्रेजी हुकूमत के
के निगरानी में थी। शिमला उस समय देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, इसीलिए वह समय उच्च पदाधिकारियों के आगमन का भी समय था। मोहन सिंह ओबेरॉय उस जूनियर क्लर्क के एग्जाम तो क्लियर नहीं कर पाया, पर फिर भी कुछ समय तक वो शिमला में ही घूमे। और इस दौरान वहाँ पर घूमते घूमते एक दिन अचानक से उनकी नजर शिमला में भारत के प्रतिष्ठित होटल में से एक सेसिल होटल पर गए। ये होटल अपनी सुविधाओं और अपने उच्च स्तर के लिए प्रसिद्ध था। मोहन सिंह ओबेरॉय इस बारे में कहते हैं, उस समय कन्फ्यूजन की स्थिति में मैंने संकोच के साथ उस होटल में कदम रखा और सीधे होटल के मैनेजर से मिला, जो कि एक कुशल व्यक्ति लग रहे थे। मैंने इस दौरान बहुत ही कठिनाइयों को पार करते हुए वहाँ दाखिल हुआ था, इसीलिए मैंने मैनेजर से किसी प्रकार की घुमा फिरा कर बात करने की बजाय नौकरी के लिए सीधे पूछना ही उचित समझा। और वो समय मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, यहाँ से ही मेरी किस्मत ने एक सकारात्मक मोड़ लिया था। मोहन सिंह ओबेरॉय कहते हैं, 1922 में होटल के मैनेजर ने मुझे बिलिंग क्लर्क के पद पर 40 रुपए महीने की तनख्वाह पर रखा और कुछ समय बाद ही मेरी तनख्वाह को बढ़ाकर 50 रुपए महीना कर दिया गया। और उसके बाद मोहन सिंह के द्वारा उनसे निवेदन पर उन्हें एक आवासीय घर भी मिल गया, जहां पर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ रहने का निश्चय किया। और उसके कुछ समय बाद जब होटल के मैनेजमेंट में बदलाव हुआ, तब उन्हें उनकी स्टेनोग्राफी के ज्ञान के कारण कैशियर तथा स्टेनोग्राफर दोनों का पदभार मिल गया। कभी रुपयों के अभाव में नंगे पाँव जेब में 25 रुपया लेकर मार्मिक परिस्थितियों में शिमला की ओर निकलने वाले मोहन सिंह ओबेरॉय के लिए ये पदोन्नति उनकी सोच से अधिक खुशी देने वाली थी। उन्होंने उस समय अपनी और कड़ी मेहनत के दम पर ब्रिटिश हुक्मरानों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बना ली। वो अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार थे। फिर कुछ साल के बाद होटल के मैनेजर अर्नेस्ट क्लार्क ने जब 1929 में शिमला में ही एक छोटा सा होटल खरीदा, तो उन्होंने ओबेरॉय से उनकी मदद करने को कहा और उस होटल का नाम था कार्लटन होटल। यही पर मिस्टर अर्नेस्ट क्लार्क के होटल में मोहन सिंह को होटल संचालक के सभी पहलुओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ। मोहन सिंह ओबेरॉय होटल कार्लटन में और ईमानदारी से काम करते थे, जो काम देते थे उसको बहुत ईमानदारी से निभाते थे। फिर 1930 में मिस्टर अर्नेस्ट क्लार्क अपने परिवार के साथ कुछ समय के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे और जाने से पहले उन्होंने होटल का पूरा दायित्व मोहन जी को सौंप गए। और इस तरीके से मोहन जी लगन से काम करते रहे, हर चीज खुद इन्वॉल्व होकर करते थे। जैसे उन्होंने कॉस्ट की कटिंग की और होटल की जो ऑक्यूपेंसी होती है उसको दो गुना कर दिया, जिसकी वजह से इनकम भी अच्छी खासी आने लगी और होटल को अच्छी तरीके से मैनेज भी किया। जब मिस्टर अर्नेस्ट क्लार्क 6 महीने बाद लौट के आए, तो उन्होंने देखा होटल की स्थिति बहुत अच्छी है। मिस्टर अर्नेस्ट क्लार्क और उनके पत्नी इस मेहनती युवा मोहन सिंह ओबेरॉय की ईमानदारी से बहुत खुश थे। इस दौरान समय तेजी गति से गुजरता गया और फिर कुछ समय के बाद मिस्टर अर्नेस्ट क्लार्क और उनके पत्नी हमेशा के लिए इंग्लैंड वापस जाना चाहते थे। और उन्होंने एक दिन मोहन सिंह ओबेरॉय को बुलाया और मोहन सिंह ओबेरॉय के सामने महज 25,000 रुपए में होटल बेचने का प्रस्ताव रखा। मोहन सिंह इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुए। उन्होंने क्लार्क से 25,000 रुपए की राशि का प्रबंध करने के लिए कुछ समय की मांग की। इसी के साथ वो होटल को खरीदने के लिए और राशि जुटाने के लिए अपने गाँव गए और वहाँ उन्हें पैतृक संपत्ति तथा पत्नी के जेवर तक गिरवी रखने पड़े, मगर फिर भी 25,000 नहीं जुटा पाए। एक दिन वो हताश होकर मिस्टर अर्नेस्ट क्लार्क के पास पहुंचे और कहा, सर मैंने 25,000 रुपए नहीं जुटा पाए, आप इसे किसी और को दे दीजिए। और तब मिस्टर अर्नेस्ट क्लार्क ने मोहन सिंह ओबेरॉय को कहा, अगर देना होता तो मैं किसी और को बेच देता, मगर मैं इस होटल को सिर्फ तुम्हें ही देना चाहता हूँ और मुझे मालूम है तुम मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, इसीलिए मैंने ये भाव रखे है। कोई बात नहीं, जितना पैसा तुम्हारे पास है वो दे दो और आगे चल के जैसे जैसे तुम्हारे पास पैसा आए मेरे इंग्लैंड के पते में से भेज देना। तो मोहन जी मान गए और इस तरीके से ये होटल का सौदा हुआ और मिस्टर अर्नेस्ट क्लार्क जाने के बाद उस होटल का मालिक श्री मोहन सिंह ओबेरॉय बने और उन्होंने 5 साल की अल्प अवधि में ही सारी राशि होटल मालिक को लौटा दी। इसी के साथ 14 अगस्त 1934 में श्री ओबेरॉय ने अपने मेंटर से अपनी पहली संपत्ति कार्लटन होटल का अधिग्रहण किया, जिसका नाम बदलकर बाद में मोहन सिंह ओबेरॉय ने मिस्टर अर्नेस्ट क्लार्क के सम्मान में द क्लार्क्स होटल रखा। और कुछ समय के बाद मोहन सिंह ओबेरॉय ने सेसिल होटल को भी खरीदा और इस तरीके से उन्होंने अपना एसेट जोड़ना शुरू किया। कहते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मोहन सिंह ओबेरॉय ने भी इस कहावत को सच साबित किया। उसके बाद कोलकाता में फैली हैजा की महामारी ने मोहन सिंह ओबेरॉय को अगला अहम पड़ाव दिया। महामारी के चलते घाटे में चल रहे ग्रैंड होटल को बेचा जा रहा था। मोहन सिंह ओबेरॉय ने 500 कमरे वाले इस होटल को लीज पर ले लिया।
इसके बाद मोहन सिंह अभड़े ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसके बाद भी कड़ी मेहनत से भी कभी अपना मन नहीं छुड़ाया। यही कारण था कि होटल व्यवसाय के क्षेत्र में उनका नाम बीतते समय के साथ निरंतर बुलंदियों को छूता रहा। सन 1947 में ओबेरॉय पाम बीच होटल खोलने के साथ ही उन्होंने मार्गारी ट्रेवल्स के नाम से एक ट्रेवल एजेंसी भी खोल दी और फिर जैसे ही भारत स्वाधीन हुआ ओबेरॉय ने अपने बिजनेस को और भी एक्सपांड करना शुरू किया। 1949 में मोहन सिंह अभड़े ने द ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड रजिस्टर्ड किया जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर रखा गया था। बाद में उन्होंने अपने अधीन आने वाले सभी होटलों को इसमें मिला दिया। फिर 1955 में 5000 पर मंथ के शुल्क पर मोहन सिंह अभड़े ने महाराजा हरि सिंह के पूर्व पैलेस को अगले 20 वर्षों के लिए लीज पर लिया जो लगभग एक दशक से खाली था। उसके बाद अप्रैल 1955 में उन्हें फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया और 1960 में उन्हें जीवन भर के लिए फेडरेशन ऑफ ऑनर का अध्यक्ष नामित किया गया। 1956 में मोहन सिंह ने मैदंस के सामने स्विस होटल खरीदा जो कभी लॉर्ड कार्जन का निवास था। फिर 1959 में ओबेरॉय ग्रुप भारत में फ्लैट कैटरिंग ऑपरेशन शुरू करने वाला पहला ग्रुप बना। नई दिल्ली, मुंबई, कोसिन और चेन्नई में स्थित ओबेरॉय फ्लैट सर्विस रेपुटेड एयरलाइनों को फ्लाइट में इंटरनेशनल क्वालिटी के भोजन प्रदान करती है। 1965 में अंतरराष्ट्रीय होटल श्रृंखलाओं के साथ साझेदारी में उन्होंने दिल्ली में ओबेरॉय इंटरकॉन्टिनेंटल खोला। श्री ओबेरॉय ने अपनी भीषण और इमेजिनेशन के साथ पुराने महलों, ऐतिहासिक स्मारकों और इमारतों जैसे कलकत्ता में द ओबेरॉय ग्रैंड, कायरो में द हिस्टोरिक मीना हाउस और ऑस्ट्रेलिया में द विंडसर को शानदार होटल में बदल दिया और अगले कुछ दशकों में वो देश के सबसे बड़े होटल उद्योगपति बन गए। श्री ओबेरॉय के डायनामिक लीडरशिप के तहत ओबेरॉय ग्रुप ने भारत में 5-स्टार होटल का अपना दूसरा ब्रांड ट्राइडेंट इंट्रोड्यूस किया। वर्तमान में भारत में 10 ट्राइडेंट होटल है और एक सऊदी अरबिया के जेड्डा में है। इसके अलावा पूरी दुनिया में 12,000 से भी ज्यादा लोग मोहन सिंह ओबेरॉय की कंपनी में काम कर रहे हैं। आज उनका होटल साम्राज्य कई देशों में फैला हुआ है। इस ग्रुप के भारत समेत इंडोनेशिया, इजिप्ट, यूएई, मोरक्को, मॉरिशस और सऊदी अरबिया में होटल और रिजॉर्ट फैला हुआ है। 1943 में मोहन सिंह ओबेरॉय को राय बहादुर का टाइटल मिला जो ब्रिटिश सरकार ने दिया। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट्स से उन्हें हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल होटल एसोसिएशन ने उन्हें मैन ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड भी दिया। बाद में भारत सरकार ने 2001 में मोहन सिंह ओबेरॉय को पद्म भूषण से सम्मानित किया और ऐसे बहुत सारे अवार्ड से मोहन सिंह ओबेरॉय को सम्मानित किया गया है। मोहन सिंह ओबेरॉय सन 1968 से 1971 तक लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे और फिर साल 2002 की 3 मई के दिन 103 वर्ष की उम्र में फादर ऑफ होटल इंडस्ट्री मोहन सिंह ओबेरॉय ने अंतिम सांसें ली, मगर अपने खड़े किए गए होटल एम्पायर से वो अमर हो गए। एक छोटे से गांव से आने के बावजूद मोहन सिंह ओबेरॉय की कड़ी मेहनत ने उन्हें विश्व के स्तर पर धन और पहचान दी है जिससे वो उन सभी के लिए प्रेरणा के एक जबरदस्त उदाहरण बन गए हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर असफलता को ना कहते। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और ऐसे ही बिजनेस, फाइनेंस एंड स्टार्टअप रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।